नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, जीवन चलाने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए लोग रात दिन मेहनत करते हैं और फल स्वरूप फल की प्राप्ति भी होती है, लेकिन किसी को ज्यादा, किसी को मध्यम और किसी को बहुत कम। और तब जिस चीज को मनुष्य कोसता है वह है हमारा सोया हुआ भाग्य। इसी सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आज हम आपको नाम के प्रथम अक्षर से 5 जबरदस्त उपाय बताएंगे, जिन्हें नियमित रूप से करने पर आप जल्दी ही धनवान होंगे। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो है, उनकी कर्क राशि है। कर्क राशि जल तत्व के अंतर्गत आती है। इनके स्वामी चंद्रमा ग्रह हैं, जो कि कला, मात्र प्रेम, संवेदनशीलता, भावना प्रधान, सहानुभूति, दयालु, रचनात्मक, व्यवहारिक, भोजन प्रेम और सुंदर बोलचाल के लिए जाने जाते हैं। आइए अब यह जानें कि वह कौन से 5 जबरदस्त और सरल उपाय हैं जिन्हें कोई भी कर्क राशि का जातक कर सकता है और जीवन में सफल हो सकता है। पहला उपाय, दान। सर्वेषाम उपायानाम दानम श्रेष्ठतमम मतम। जैसा कि मैं सदैव बोलता हूँ कि कलयुग में सभी समस्याओं का सबसे श्रेष्ठ उपाय दान है, जो मनुष्य गरीब और असहाय लोगों की हमेशा सहायता करता है, उस पर ईश्वर सदैव प्रसन्न रहते हैं और दान करने वाले के घर के भंडार सदैव भरे रहते हैं। भूखों को भोजन, बीमारों को दवा और गरीब बच्चों को शिक्षा में सहायता करने के साथ साथ यदि आप शनि ग्रह व बुध संबंधी चीजों का दान करें तो यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जैसे काली उड़द, काले चने, लोहा, सरसों का तेल, चमड़े के जूते और बुध ग्रह के लिए गाय माता को हरी घास, पालक और मंदिर में मूंग की दाल और हरे वस्त्र। दूसरा उपाय, रुद्राक्ष धारण। मानवता के कल्याण के लिए भगवान रुद्र की आंख से गिरे आंसुओं से जिस बीज की उत्पत्ति हुई उसे रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव ही माना जाता है। रुद्राक्ष का महात्म्य शिव पुराण, देवी भागवत, नारद पुराण और अग्नि पुराण जैसे कई पुराणों में विस्तार से बतलाया गया है। कर्क राशि को सभी प्रकार की सफलताओं और समृद्धि प्राप्त करने के लिए दोमुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष कवच रूप में धारण करना चाहिए। तीसरा उपाय, वृक्षारोपण। जीव को जीने के लिए प्रकृति के साथ मिलकर चलना होता है। प्रकृति से ही जीवन है और यही सभी चीजों का आधार है। भारतीय आयुर्वेद और वैदिक ज्योतिष में भी जन्म नक्षत्रों और जन्म राशियों से वृक्षों का संबंध बताया गया है। इसलिए जन्म राशि से संबंधित वृक्षों को लगाने और उनका ध्यान रखने से भी भाग्य वृद्धि और समृद्धि आपके घर आती है। कर्क राशि वालों के लिए सभी प्रकार की तुलसी, पलाश का पौधा और गेंदे के पौधे लगाना बहुत शुभ है। चौथा उपाय, मित्र ग्रहों को दे बल। जिस प्रकार मित्रों की सहायता से जीवन के बहुत से कार्य आसान और सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार जब हम अपनी जन्म राशि के स्वामी ग्रह के मित्र ग्रहों को बल देते हैं तो हमारे जीवन में भी धन, लक्ष्मी और समृद्धि स्वयं आने लगती है। कर्क राशि के पंचम और नवम भाव के स्वामी मंगल और बृहस्पति हैं और सामान्यतः कर्क राशि के लिए शुभ परिणाम देने वाले भी होते हैं। मंगल और बृहस्पति को बल देने के लिए आपको पीपल की जड़ में रोज लाल चंदन से तिलक करने के पश्चात जल चढ़ाना चाहिए। ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप मूंगा, माणिक्य और पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न धारण से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। पांचवा उपाय, मंत्र जाप। मंत्र जाप क्या है पहले यह जाने। मानसिक और भौतिक सभी समस्याओं पर शोध करके उनके
उपाय रूप में शब्दों को निश्चित क्रम से प्रयोग करने की विधि को मंत्र कहा जाता है। सामान्य शब्दों में समझें तो मन रूपी राक्षस जितनी भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली युक्ति को मंत्र कहते हैं। धन संपदा और चतुर्मुखी विकास के लिए बताए गए मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः। इसी के साथ हम आप सभी दर्शकों से आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।